पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं टीके अभिषेक एक बार फिर से हाजिर हूँ फिफ्थ सेम इलेक्ट्रॉनिक्स से एक नए पेपर के साथ जिसका नाम है टेलीविजन इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में हम लोग टेलीविजन के डेवलपमेंट, उनके जो पार्ट्स हैं, कैसे ट्रांसमिशन होता है, कैसे उसका रिसेप्शन होता है, कैसे वो वर्क करता है, इन सारी जानकारी हम लोग इस सब्जेक्ट में लेंगे। उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि टेलीविजन जो है हमारी लाइफ का एक काफी इम्पोर्टेंट चीज है। हम लोग न्यूज देखते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स को देखते हैं, कंट्री में किस स्टेट में क्या चल रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या काम किया है, इन सारी चीजों को देखते हैं। हमारे संसद में जो वर्क हो रहा है उसे क्या क्या वहां पे लोग जो बातें कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। और इसके अलावा स्टडी से रिलेटेड चीजें भी जो गवर्नमेंट होती है स्टेट वाइज और कंट्री वाइज वो टेलीकास्ट करती है बच्चों को सीखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है टेलीविजन के यूनिट को यूनिट वाइज जो है हम लोग एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। जैसे यूनिट नंबर वन जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर वन में आपको सबसे पहले हिस्ट्री जानना होगा कि कैसे हमारा टेलीविजन जो है वो डेवलप हुआ। शुरुआत में हम लोगों ने मोनोक्रोम यानी ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन को डेवलप किया, देन हम लोगों ने डेवलप किया कलर टेलीविजन को। तो ये जो चीजें जो है कैसे डेवलप हुआ, जेल बर्ड ने टेलीविजन बनाया, किस समय आपका कलर टेलीविजन आया, इंडिया में 1959 में टेलीविजन जो है प्रसारण स्टार्ट हुआ था टेलीकास्ट होना, और 1927 में जेल बर्ड ने जो है आपको टेलीविजन को सबसे पहले बनाया था, और इसके पहले भी साइंटिस्ट जो है सेलेनियम फोटोसेंसिटिव सेल से आइसोलेट करके पिक्चर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें आपको तीन टेलीविजन के सिस्टम्स के बारे में जानना है। सबसे पहले जानना होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड सिस्टम जो कि एनटीएससी कहलाता है, उसमें 5-5 लाइन में वर्क होता है, वो जानेंगे। दूसरा जानेंगे हम लोग फ्रेंच सिस्टम जो है हम लोग एसीसीएम, उसके बारे में जानेंगे जो 819 लाइन में हम लोग वर्क करते हैं, 819 लाइन में। और तीसरा हम लोग जानेंगे पीएल सिस्टम जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड है, जिसमें 6-5 लाइंस के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इंडिया में जो टेलीविजन आपका ब्रॉडकास्ट होता है, टेलीकास्ट होता है, उसमें हम लोग 625p स्टैंडर्ड पीएल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, यानी यूरोपियन स्टैंडर्ड का। इतना हिस्ट्री जानने के बाद हम लोग सबसे पहले पहुंचेंगे यूनिट वन का जो फर्स्ट सेक्शन है, एलिमेंट ऑफ टीवी सिस्टम। इसमें हम लोग मोनोक्रोम के ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, ब्लॉक डायग्राम जो है ट्रांसमीटर का और रिसेप्शन दोनों के थ्रू, हम लोगों का कैसे पिक्चर जो है ट्रांसमिट हुआ, कैसे हमारा साउंड ट्रांसमिट हुआ, रिसीविंग साइड में कैसे हम लोगों ने रिसेप्शन किया साउंड का और पिक्चर का, इसके अलावा जो है सिंक्रोनाइजेशन के बारे में जानेंगे। सिंक्रोनाइजेशन में दो चीज आपको जानना होगा, हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन और वर्टिकल सिंक्रोनाइजेशन के बारे में पूरा डिटेल आपको जानकारी लेना होगा। इन सारी चीजों को जानने के पहले कम्युनिकेशन का दो पार्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज हम लोग साउंड को ट्रांसमिट करने में करते हैं, और हम लोग जो है एएम का यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक जो पार्ट है वेस्टिजियल साइड बैंड, उसका इस्तेमाल करते हैं पिक्चर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो आपको वीएसबी और एफएम के बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, ट्रांसमिटिंग साइड में भी और रिसेप्शन साइड में भी आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा जो हमें पढ़ना है, एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ टीवी पिक्चर। पिक्चर का फुल डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे जानना होगा कि एस्पेक्ट रेशियो हमारा 4:3 होता है, वो क्या है कि उसमें चौड़ाई हम लोग जो है ज्यादा लेते हैं, लंबाई कम लेते हैं, तो वो 4:3 क्यों होता है हमेशा। फिर आपको इमेज कंटिन्यूटी के बारे में जानना है, कैसे हम लोग पिक्सल्स के थ्रू पिक्चर को जो है डेवलप करते हैं। यहाँ पे आपको फ्लिकर के बारे में भी जानना होगा कि फ्लिकर एक तरह का प्रॉब्लम है जिसे हटाने के लिए हम लोग इंटरलेस स्कैनिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस सेक्शन से एक क्वेश्चन हर साल आना तय है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। यहाँ पे हम लोग स्कैनिंग के बारे में जानेंगे। स्कैनिंग में जैसे वर्टिकल स्कैनिंग, हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग जानेंगे। स्कैनिंग एक टेक्निक है, जैसे हम लोग पढ़ने और लिखने का जो काम करते हैं और पढ़ने का काम करते हैं ऑलवेज लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
तो यहां भी हम लोग हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और वर्टिकल स्कैनिंग करेंगे हम लोग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इन सारे के बारे में जानकारी लेना अपने को जरूरी है। टोनल ग्रेडेशन क्या है, कैसे पिक्चर परफेक्ट चले वो आपको जानकारी लेना है, कितना लाइट रहेगा तो पिक्चर आपको क्लियर दिखेगा, कितनी डिस्टेंस से आप पिक्चर देखेंगे, टेलीविजन को देखेंगे कि पिक्चर आपको क्लियर रहे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा थर्ड नंबर है कंपोजिट वीडियो सिग्नल, ये यहाँ पे आपको जानना होगा कि टेलीविजन में दो लेवल, एक डार्क लेवल एक व्हाइट लेवल, तो यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से जानना होगा कि टेलीविजन जो मेनली हमारा पिक्चर चलता है फ्रॉम 10% टू 75%, तो कैसे टेलीविजन में हमारा क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ, कैसे स्कैनिंग करके हमने पिक्चर को देखा है, तो कंपोजिट वीडियो सिग्नल में हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सिंक पल्सेस, ब्लैंकिंग पल्सेस सारे के बारे में पूरा डिटेल जो जानकारी लेंगे वो कहलाएगा आपका कंपोजिट वीडियो सिग्नल। तो ये यूनिट नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे पूरा करे। जो हमें मेन पढ़ना है मोनोक्रोम पिक्चर ट्यूब यूनिट का नाम है, इस यूनिट में हमें पिक्चर ट्यूब के बारे में जानना है, कैसे वो काम करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है पिक्चर ट्यूब का ये जानना है। पिक्चर ट्यूब जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको दो इफेक्ट है, एक तो पढ़ना है फोटो इमिशन और दूसरा पढ़ना आपको फोटो कंडक्शन, इन सब के बारे में जानना है। और तीसरा जो आपको मेन पढ़ना होगा उसमें पिक्चर ट्यूब्स के बारे में पढ़ना होगा। तो पिक्चर ट्यूब में आपका स्टार जो है इमेज और थी कौन से है, लेकिन उसके पहले दुनिया का जो पहला पिक्चर ट्यूब है आइकोनोस्कोप, मैं पहले वो बताऊंगा, उसके बाद ग्रेजुअली इमेज और थी कौन, वीडी कौन, प्लम्बी कौन के बारे में हमें जानकारी लेना है। इसके आगे और भी बहुत सारे आए हैं, तो अपने को जो मेन सिलेबस में 1, 2 और 3 अपने को जानना है, इमेज और थी कौन, वीडी कौन और प्लम्बी कौन, ये कैसे काम करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे है तो फोटो इमिशन है या फोटो कंडक्शन किस इफेक्ट पे है, इन तीनों के बीच का कंपैरिजन भी एग्जाम में पूछा जाता है। इससे भी एक क्वेश्चन हमेशा आपका फिक्स है, आइदर वीडी कॉन के बारे में पूछे या प्लम्बी कॉन के बारे में पूछे इमेज और थी कॉन, नहीं तो आपका जो वीडी कॉन का जो प्रॉब्लम वगैरह है उसमें क्या दिक्कतें आती है वो जरूर पूछता है, ये फिक्स है उसका सवाल यूनिवर्सिटी का। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में जो आपको पढ़ना है ब्लॉक डायग्राम ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। ब्लॉक डायग्राम टीवी ट्रांसमिशन में आपको जानकारी लेना है कि कैसे वो वर्क करेगा, यहीं पे हम लोग जो है ट्रांसमिशन का जो प्रिंसिपल होगा कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, उसमें दो तरीका है हाई लेवल और लो लेवल, वो जानना है। फिर टीवी सिग्नल प्रोपेगेट कैसे होता है, तो टीवी सिग्नल प्रोपेगेट कैसे होता है, तो ये जो है रेडियो इंजीनियरिंग का पार्ट है जिसमें हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स में ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव, इन तीनों के बारे में जो है हम लोग जानकारी लेंगे, तो वहीं से आपको ये पता चल जाएगा मेनली आपको स्काई वेव और आपको जो है यहाँ पे जानना होगा स्पेस वेव के बारे में। तीसरा आपको इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा है एंटीना यूज फॉर ट्रांसमिशन, किस किस एंटीने का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिशन के लिए टेलीविजन में, वो आपको पढ़ना है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा टर्न स्टार के बारे में और डायपोल एंटीना के बारे में। इसमें हम लोग डायपोल एंटीना के जो टाइप्स हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। इसका सबसे लास्ट जो पार्ट है वो है एंटीना यूज फॉर रिसेप्शन। टेलीविजन जो हमारे घर में चलता है उसका जो एंटीना कितने तरह का होता है, कि सिग्नल जो चला है जहां से ट्रांसमिट हुआ है ट्रांसमिटिंग एंटीना से, तो किस तरह का एंटीना हम लोग रिसीविंग साइड में रखते हैं कि सिग्नल हमारा रिसीव होता है, उसमें आपको पढ़ना है बो टाई या इसे हम लोग बोलते हैं डाइफैन के नाम से, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो अभी छतरी वाला जो आपको दिखता है वो है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, उसके बाद VHF एंटीना, UHF एंटीना रेंज के हिसाब से पढ़ना है, और यागी उडा के बारे में। यागी उडा एंटीना पुराने जमाने में आपको छत पे लगा होता था, बड़ा सा उसमें एल्यूमिनियम का मतलब वो रॉड होता था, उसपे बहुत सारे छोटे बड़े रॉड लगे होते थे, तो डायरेक्टर कौन सा रिफ्लेक्टर उन सारी के चीजों के बारे में हम लोग यागी उडा में जो है हम लोग जानेंगे। इसमें से कुछ जो एंटीना है आपको जो रेडियो का पार्ट है रेडियो इंजीनियरिंग का, उसमें जो है एंटीना यूनिट में भी कुछ कुछ पढ़ना है, ठीक है, तो आप वहां भी देखेंगे और यहाँ भी देखेंगे कि कैसे वो वर्क करता है। 4 जो है आपका टीवी रिसीवर जो है उसमें आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है,
पुराने जमाने में हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे, तो सबसे पहला हमारा आएगा ऑल ट्यूब रिसीवर, ठीक है। दूसरा जो है होगा सॉलिड स्टेट रिसीवर, और तीसरा जो पढ़ना होगा हाइब्रिड रिसीवर। सॉलिड स्टेट रिसीवर में हम लोग सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जो हो गया FET और ट्रांजिस्टर वगैरह का हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। हाइब्रिड में हमारा जो है वो वैक्यूम ट्यूब और सॉलिड स्टेट डिवाइसेस को मिला करके उसके बारे में जानकारी लेना होगा। नेक्स्ट जो आपका आएगा कि ब्लॉक डायग्राम आपको पढ़ना होगा टीवी रिसीवर का, कितना तरह का उसमें ब्लॉक आपको लगा हुआ है, सारे के बारे में आपको जो है वो आपको जानकारी लेना है डिफरेंट सेक्शंस के बारे में। और सबसे लास्ट जो इसमें पढ़ना है ट्यूनर, ट्यूनर का काम क्या होता है ये आपको जानना है। ट्यूनर का काम होता है कि बहुत सारे जो चैनल्स चल रहे हैं उसमें से किसी एक चैनल को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उसे दिखाना। फॉर द एग्जाम्पल अभी GTV है, सोनी है या कोई और दो तीन चैनल है, उसमें से किसी एक भी चैनल को आप सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे चैनल से, मान लिया आपने सोनी सेलेक्ट किया तो सोनी का जो चैनल है वो आपको चलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें ट्यूनर का काम यही है कि डिफरेंट जो आपके जो चैनल चल रहे हैं उसमें से किसी एक चैनल को जो सेलेक्ट किया आपने उसे वो डिस्प्ले करना शुरू करेगा। ट्यूनर में इसका जो टाइप पढ़ेंगे हम लोग VHF ट्यूनर, UHF ट्यूनर के बारे में जानकारी लेंगे। इसके अलावा जो बलून है उसके बारे में जानकारी लेना है। शॉर्ट नोट्स में ये बहुत अच्छे तरीके से लिखने आता है और यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स है। अब आते हैं यूनिट नंबर 5। यहाँ से आपका कलर टेलीविजन का जो सिस्टम है वो स्टार्ट होगा। कलर टेलीविजन के बारे में पूरी जानकारी हमें यूनिट नंबर 5 में लेना है, जिसमें सबसे पहले जो है कलर सेंसिटिव ह्यूमन ऑर्गन जो हमारे अंदर है रॉड्स एंड कोन्स, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। कॉन्टेबिलिटी के बारे में जानकारी लेंगे कि भाई हमारा कलर टेलीविजन जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट को भी चलाता है, कलर को भी चलाता है। रिवर्स कॉन्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे। और दूसरा जो है थ्री कलर थ्योरी में जो है आपको मेनली जानना है ग्रासमैन लॉ के बारे में। इसमें आपको मेनली एक चीज और जानना है मिक्सिंग ऑफ कलर। हमारा जो कलर जो मिक्स होता है वो दो तरीके से होता है, एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग। उसके बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग बार सारे बार आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के जो आप पेपर देखेंगे उन सारे में आ चुका है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका फिक्स है इतना ही दूर से। लुमिनेंस के बारे में जानना है, सैचुरेशन के बारे में जानना है, वही के बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट जो आपका आएगा टेलीविजन कैमरा, यहाँ पे हम लोग कलर टेलीविजन कैमरा के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे उसमें जो है RGB रेड ग्रीन और जो आपका ब्लू है वो जो है कैसे कलर को आपको डिस्प्ले करता है मिल करके। यहाँ पे हम लोग जो Y=2 जो इक्वेशन हमने लिखा है 0.30R प्लस 0.59G प्लस 0.11B, इसके बारे में ये पूरी जानकारी लेंगे। गामा करेक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। हमारा कलर सर्किल क्या है, कैसे उसका मूवमेंट है, उसका पूरा डायग्राम हम लोग समझेंगे। इसके बाद आपका जो आता है चौथे नंबर में वो आपका है कलर रिसीवर ट्यूब्स, ठीक है। कलर रिसीवर ट्यूब्स में आपको जो मेनली जानना है वो है आपका कि कौन कौन सा हम लोग जो है रिसीवर जो है इस्तेमाल करते हैं वो कलर टेलीविजन के लिए। उसमें सबसे पहले आपको जानना होगा डेल्टा गन के बारे में, इसका एडवांस वर्जन प्रिसीजन इन लाइन या इसे हम लोग बोलते हैं गन इन लाइन के बारे में। आपको एक और जानना होगा ट्रिनिट्रॉन के बारे में। तो इन सबके बारे में आपको सारी जानकारी लेनी है। ट्रिनिट्रॉन सोनी कंपनी ने बनाया था, काफी बेहतरीन और काफी समय तक ये चला है। अब जो इसके बाद आपका आएगा आपका पांचवा नंबर में वो है कलर टीवी ट्रांसमीटर एंड रिसेप्शन ब्लॉक डायग्राम। पूरा डिस्क्रिप्शन आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज है यहाँ पे। कलर सिग्नल ट्रांसमिशन रिसेप्शन वही चीज है आपका। और सेवंथ नंबर सबसे लास्ट में जो आपको पढ़ना PL सिस्टम के बारे में, तो PL सिस्टम के बारे में आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ना होगा, मैं NTSC और ACCM के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो तीनों के बारे में आपको पढ़ना होगा क्योंकि तीनों के बारे में डिफरेंस भी लिखने के लिए आता है। यूनिट नंबर 6 में आपको जो पढ़ना होगा रिमोट कंट्रोल के बारे में पढ़ना है। इसमें मैं आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल कैसे होता था वो बताऊंगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका जो दूसरा जो पार्ट है स्पेशल सर्किट, इसमें आपको पढ़ना होगा ऑटोमेटिक फाइन ट्यूनिंग के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक टच ट्यूनिंग के बारे में कि कैसे हम लोग ट्यूनिंग करते हैं,
चैनल को कैसे सेलेक्ट करने के बाद जो है उसका प्रोसेस कैसे वर्क करता है वो आपको जानना होगा। नेक्स्ट जो आपका जानना है बूस्टर एम्पलीफायर। बूस्टर पुराने जमाने में यूज किया जाता था, टेलीविजन के पास वो रखा जाता था और वो सिग्नल को अच्छे से आपको रिसीव करके वो आपको आरएफ जो ट्यूनिंग है उसका इस्तेमाल करके आपको देता था अच्छा करके। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल, शॉर्ट में इसे एबीसीडी बोलते हैं। एबीसी जो है कैसे आपके आंखों में ग्लेजिंग ना आए वो जो है ऑटोमेटिक आपको जो ये एडजस्टमेंट करता है लाइट के हिसाब से, तो वो वहां पे सारा ब्राइटनेस कंट्रोल करने का काम एबीसी सर्किट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 जो है स्पेशल सर्किट पढ़ना है। इसमें सबसे पहले जो आपको पढ़ना है क्लोज सर्किट टेलीविजन के बारे में, सीसीटीवी। ऑफिस में, बैंक में, कहीं भी जाते होंगे, आजकल सड़क पे भी लगा रहता है, वो देखने के लिए लोग कैमरा लगा करके दुकान के बाहर रखते हैं फॉर द सेफ्टी प्रिकॉशन। ये बहुत ही ज्यादा आपको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो पढ़ना है आपको केबल टीवी पढ़ना है, जिसे शॉर्ट में सीएटीवी भी हम लोग बोलते हैं। केबल टीवी अमेरिका में स्टार्ट किया गया था दूर दराज इलाके में जहां पे सिग्नल ठीक से नहीं जाता था, स्पेशल हम लोग एक आपको एंटीना सेट किया गया रिसीविंग के लिए और वो सप्लाई सारे जगह पे दिया गया विद द हेल्प ऑफ वायर। तो ये जो था सिस्टम काफी सस्ता था और इसका जो इफेक्ट था बहुत ही अच्छा था, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल होना शुरू हो गया। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो है वीसीपी एंड वीसीआर मॉनिटर के बारे में। इस मॉनिटर को जो है हम लोग यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे, इसका ब्लॉक मैं बनाऊंगा और आपको अच्छे तरीके से एक एक सेक्शन को मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 जो है उसमें आपको ट्रबल शूटिंग के बारे में पढ़ना है कि कलर और आपको कलर में और जो मोनोक्रोम जो टेलीविजन है उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या दिक्कत आने का मेन जो वो पार्ट्स कौन कौन सा उसमें इन्वॉल्व होता है, कैसे उसे दूर किया जाए, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है सेफ्टी प्रिकॉशन में आपको पूरा डिटेल रखना होगा कि टेलीविजन को कैसे चलाए, क्या हमारा टेलीविजन अच्छे ढंग से चले। ये जो यूनिट नंबर 8 है उससे दो ऑब्जेक्टिव हर साल फिक्स है। इस यूनिट में मैं आपको एक चार्ट दूंगा, उस चार्ट को आपको याद रखना होगा। उस चार्ट को आप अगर याद रखते हैं तो आपका दो नंबर का ऑब्जेक्टिव आना तय है। ऐसे मेनली उसमें जो है 20 जो आपके चार्ट में जो टोटल नंबर्स होंगे 20 जो मैं आपको दूंगा ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए, वो आपको जरूर याद रखना है। तो हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 8 तक का सारा डिस्क्रिप्शन टेलीविजन इंजीनियरिंग का देखा है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो है यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में जब यूनिट नंबर 8 जिस दिन खत्म होगा उसी समय मैं आपको एक चार्ट दूंगा, उस चार्ट के थ्रू पूरा जो यूनिट नंबर 1 से लेके 8 तक का सारा सिस्टम उसमें होगा, उससे आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत फायदा मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चाहे आप डिप्लोमा लेवल पे एग्जाम दें या फिर आप इंजीनियरिंग लेवल पे एग्जाम देंगे, अगर इंजीनियरिंग में जाते हैं और इंजीनियरिंग लेवल पे एग्जाम देते हैं तो उस चार्ट से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और उसी चार्ट से लगभग सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेलीविजन का सारा डिस्क्रिप्शन देखा है और नेक्स्ट में जो है यूनिट नंबर 1 जो है वो हम लोग लेकर के नेक्स्ट में आएंगे।